लखनऊ में होली मिलन समारोह का आयोजन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होंगे शामिल। आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले पहुंचे लखनऊ, सीटें मिली तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, अठावले ने कहा। रायबरेली में बाबा का चला बुलडोजर, भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन। श्रावस्ती में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी, विधायक ने किया चित्र प्रदर्शनी का समापन। प्रयागराज में सेरेब्रल पालसी से पीड़ित बच्चों ने मनाई होली, त्रिशला फाउंडेशन ने किया कार्यक्रम का आयोजन। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में जायसवाल समाज द्वारा 22वां होली मिलन समारोह और वैवाहिक परिचय कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी के नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा शामिल होंगे। ये कार्यक्रम 9 मार्च 2023 को गांधी प्रेक्षा गृह कैसर बाग में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में हर साल की तरह इस साल भी विवाह योग्य युवक युवतियों को परिचय कराया जाएगा। जायसवाल समाज ने अभी तक हजारों रिश्ते कराए हैं। प्रेस वार्ता करते हुए जायसवाल समाज के अध्यक्ष अजय जायसवाल और उत्तर प्रदेश जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल ने ये सारी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने सरकार से जायसवाल समाज से आने वाले नेताओं को प्रमुखता देने की अपील की है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले लखनऊ पहुंचे। यहां वो प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। इशारों में उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी यूपी से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए सीटें देती है तो उनकी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी। रायबरेली में भूमाफियाओं के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर गरजा है। बता दें कि जिला प्रशासन की टीम ने भूमाफियाओं के कब्जे से लगभग 1 करोड़ रुपए की भूमि को मुक्त कराया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सदर तहसील में शहीद स्मारक का है, जिसको आज जिला प्रशासन की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ गिराकर अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराया। भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। रायबरेली के साकेत नगर हिस्से में यहाँ पर नजूल की भूमि थी और इस भूमि को अभी जो राणा बेनी माधव संग्रहालय बनना है, पुस्तकालय बनना है, उसके लिए चिन्हांकित की गई थी। इसके पीछे की ज़मीन पर एक गौतम जी हैं, उनके द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। पूर्व में भी उनके द्वारा इस प्रकार के प्रयास किए गए थे और तहसील प्रशासन द्वारा उसको हटाया गया था। बार बार समझाने के बावजूद भी अवैध कब्जा किया जा रहा था, आज जिसको यहाँ पर देखते ही नियमानुसार हटवा दिया गया। प्रयागराज में समाज के मुख्य धारा से अलग रहने वाले सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित बच्चों ने अबीर, गुलाल और फूलों से जमकर होली खेली। त्रिशला फाउंडेशन की तरफ से इस होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में खास तौर पर सेरेब्रल पॉलिसी से प्रभावित बच्चे और उनके अभिभावकों ने अबीर, गुलाल उड़ाते हुए ब्रज में होली खेले जाने वाली का आनंद उठाया। ये कार्यक्रम त्रिशला फाउंडेशन का है। त्रिशला फाउंडेशन प्रयागराज स्थित एक संस्था है जो कि सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों के लिए समर्पित संस्था है। यहाँ पर पूरे देश से और कई देशों से, नेपाल, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट और बाहर से आकर के यहाँ पे बच्चे, उनके परिवार यहाँ पे रुकते हैं। ये सेरेब्रल पाल्सी मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है, बहुत सारे, चलना, बैठना, उठना, देखना, सुनना, सामाजिक गतिविधियों में शामिल ना हो पाना, ये सब तमाम तरह की परेशानियाँ होती हैं। लेकिन अत्याधुनिक तरीके से जो आजकल हम लोगों ने सब तौर तरीके से 10 सालों से काम शुरू किया है, उसकी वजह से उसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब ये बच्चे सामान्य जीवन में एक नॉर्मल सामान्य जीवन जी सकते हैं और कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में आके एक नया जोश, नया उत्साह, नई उमंग आ जाती है। बच्चों को इस तरीके का परफॉर्म करते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है।
अच्छी चीज़ जो बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। श्रावस्ती के मुख्यालय भिनका स्थित जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसका समापन विधायक राम फेरन पांडे ने किया। तो वही प्रदर्शनी को देखने आए स्कूली बच्चों से भी विधायक रूबरू हुए। विधायक ने कहा कि देश और प्रदेश सरकार ने तमाम ऐतिहासिक विकास कार्य सभी क्षेत्रों में कराए हैं, इतना विकास कार्य कभी किसी सरकार में नहीं कराया गया है। खबर श्रावस्ती जनपद से है, जहां थाना कोतवाली क्षेत्र में भिनगा में एक अज्ञात युवक का शव मिला, जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी है। घटना की जानकारी चौकी प्रभारी द्वारा परिजनों को दी गई। परिजनों के अनुसार मृतक अपने साले के साथ बाइक से इंजन बनाने के लिए निकला था। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कासगंज में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार त्योहारों के चलते सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान संदिग्ध वाहन की चेकिंग भी की गई। तो वहीं जो भी अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान क्षेत्राधिकारी आर के तिवारी, कोतवाली प्रभारी हरिभान सिंह राठौर सहित अन्य पुलिस कर्मीगण वहां पर मौजूद रहे। गोंडा में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब्दुल खालिक के सम्मान में उनके गांव हल धर्मऊ मुख्तारगंज गांव पर एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया, जिसका लोकार्पण उनके पौत्र मसूद आलम खां और पूर्व जिलाधिकारी राम बहादुर और डॉक्टर मोहम्मद सादर खान ने किया। इस मौके पर पूर्व जिलाधिकारी राम बहादुर ने कहा कि 2011 के बाद एक ऐसा कार्यक्रम था जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए जो सम्मान दिया गया, उससे मेरा सर ऊँचा हो गया। देखिए, हमारे ग्रैंडफादर अब्दुल खालिक खां अंग्रेजी फौज में थे। 1944 में रंगून में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंचे और उन्होंने आह्वान किया कि नहीं, हमें जो भारतीय अंग्रेजी फौज में है उनको वो लोग आवे और हमारा साथ दें, तो दादा ने अंग्रेजी फौज से विद्रोह किया, आजाद हिंद फौज में शामिल होकर के उनके लिए जंग लड़ी, लड़ाई लड़ी और आजादी तक लड़ाई लड़ी। आज उन्हीं के सम्मान में हमने एक स्वागत द्वार बनाया है और देश के हमारे जिले के एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं ये आदरणीय राम अचल दुबे जी, राम अचल दुबे जी, उनके हाथों से और इस जिले के पूर्व जिलाधिकारी हम सबके संरक्षक बहुत ही इस जनपद में डीएम तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन जितना नाम आपने गरीबों का दुआएं लेकर के कमाई भैया आदरणीय डॉक्टर राम बहादुर साहब को, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैंने जिले के सबसे माने जाने चिकित्सक और बहुत ही सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाले डॉक्टर सादिर साहब को भी हमने उनकी अध्यक्षता कराई है और तमाम शहीद परिवारों को भी आज हमने बुलाया उन्हें सम्मान करने के लिए। मैं यहाँ 2011 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था और गोंडा के लोगों का प्यार है कि मुझे विभिन्न अवसरों पर बुलाते रहते हैं, लेकिन आज का जो अवसर है, मुझे पहली बार अभी 15 दिन पहले बताया मसूद साहब ने कि उनके दादा खालिद खान साहब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके साथ रामचंद्र दुबे साहब हैं, ये भी आज इसमें मौजूद यहाँ पर हैं। तो फ्रीडम फाइटर्स को याद करके जब भी याद किया जाता है तो शरीर रोमांचित हो जाता है। आज के इस कार्यक्रम में आ करके मुझे शायद 2011 के बाद जितने कार्यक्रम हुए हैं गोंडा में सबसे अच्छा एहसास हो रहा है। गाजियाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ स्थानीय लोग जो एसीपी लोनी की कोर्ट में आरोपियों को जेल न जाने के नाम पर आरोपियों के परिजनों से पैसे की वसूली करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद गाजियाबाद ग्रामीण डीसीपी ने इस पूरे मामले की जांच बिठा दी है। डीसीपी ग्रामीण का कहना है कि उन्होंने इस मामले की जाँच एसीपी लोनी को सौंप दी है। देखिए, इस वायरल वीडियो का एक संज्ञान लिया गया है और उसमें जो वीडियो में जो दिख रहे हैं वो वकील के मुंशी हैं, वकीलों से भी पूछताछ की गई है और मुंशियों से भी पूछताछ की गई है और ये पूरे सभी समग्र पहलुओं की जांच के लिए एसीपी लोनी को बोला गया है और उन्होंने जो अभी तक की छानबीन और पूछताछ से उन्होंने जो चीज़ें निकाली है उसमें ये है कि वो वकील
अपनी फ़ीस के लिए जो उनके मुंशी हैं उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं और जो है उसी में कुछ लोगों की कहा सुनी हो रही है कि कोई ज़्यादा पैसे की मांग कर रहा है या कम पैसे की मांग कर रहा है। तो वकीलों का ये कहना है कि उनका उतना फिक्स फीस है उसी के कारण वो लोग नेगोशिएट कर रहे हैं और इसमें और कोई अन्य पहलू हो और कोई भी अन्य एंगल हो उसकी जाँच के लिए विस्तृत जाँच के लिए ACP लोनी को निर्देशित किया गया है जो कि रिजल्ट होंगे उसके जो भी जांच निकल के आएगा उसके हिसाब से अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है लेकिन आज के युग में ज्यादातर लोग केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग करते हैं जो न केवल स्किन के लिए खतरनाक है बल्कि आंखों के लिए भी घातक है। तो वहीं केमिकल युक्त रंगों से किस प्रकार से अपनी स्किन का ख्याल रखें इस पर हमारे संवाददाता ने विशेष स्पेशलिस्ट रुचिका गर्ग से बातचीत की है। होली के त्यौहार में लोगों का केमिकल वाला कलर यूज़ करना कॉमन है बट सबसे ज़रूरी स्किन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपनी स्किन की देखभाल खुद करनी है तो हमें खुद ही उसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले केमिकल बेस्ड कलर्स जितना हो सकता है लगाना अवॉइड करें, ना खुद को ना किसी और को, ताकि स्किन डैमेज कम से कम हो। दूसरा, सबसे पहले एक मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन की परत ज़रूर लगाएं रंग खेलने से पहले। बालों में, बॉडी पर नारियल तेल का इस्तेमाल करें। बच्चों को खासकर आँखों में, कान में, ये सब जगह में दवाई लगाने, कलर लगाने से बचें, ना खुद लगाएं ना किसी और को लगाएं। ये पहले तो ये है कि आँखों का बचाव करना। बचाव कैसे कर सकते हैं कि ज़्यादातर तो यही है कि आँखों में रंग डालना ही नहीं चाहिए, है ना। फिर भी अगर आप आँखों का बचाव अपना खुद कैसे करेंगे, अलग अलग तरीके के चश्मे आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं, बच्चों के लिए अवेलेबल है, वो लगा सकते हैं। नहीं तो जो बड़े हैं वो ज़ीरो पावर का चश्मा लगा ले जिससे आँखों के अंदर रंग नहीं जाए, ठीक है। अगर फिर भी अगर आँखों के अंदर रंग चला जाता है तो सबसे पहले क्या करना है, आँखों को अच्छे से पानी से वॉश करना है। जितना अच्छे से वॉश करेंगे उतनी जल्दी वो रंग निकलेगा, क्योंकि रंग के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे कड़ होते हैं रंग के, वो क्या करते हैं आपके जो आँखें की कॉर्निया है आगे उसके ऊपर स्क्रैच मार्क्स बना देते हैं। वो स्क्रैच मार्क्स बट आपने रगड़ लिया, रंग गया आँख के अंदर, तुरंत रगड़ना भी नहीं है क्योंकि उसके अंदर जो कर्ण हैं वो आपके कॉर्निया के ऊपर स्क्रैच मार्क्स बनाएंगे, वो आगे जाके कॉर्नियल अल्सर में भी तब्दील हो सकता है। देवरिया में स्क्रैपिंग सुविधा खोलने के लिए ARTO आशुतोष शुक्ला ने बैठक की। इस बैठक में कई वाहन डीलरों को बुलाया गया था। ARTO आशुतोष शुक्ला ने कहा कि रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पुराने बेमतलब वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए वाहन स्वामी द्वारा निक्षेपण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के सापेक्ष नया निजी क्रय किए जाने के बाद उनके पंजीयन पर मोटरयान पर देय एकाबिराई में 15% छूट का प्राविधान किया गया है। बैठक में महिंद्रा एंड महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड, टाटा मोटर्स, RKBK मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, हुंडई के प्रतिनिधियों के साथ कई डीलर प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिले में एक रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र RVSF की स्थापना की जानी है। उसी के संदर्भ में मैंने जनपद के डीलरों, अन्य व्यवसायियों तथा अन्य इच्छुक व्यक्तियों के साथ में बैठक की थी और उनको ससंदरा की सुविधाएं दी जाएंगी और स्क्रैपिंग सेंटर खोलने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में बताया गया है। और 10 वर्ष या उससे अधिक पुराने डीजल वाहन तथा 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने पेट्रोल वाहन को भविष्य में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ऐसे वाहन स्वामी जिनके वाहन अपनी निर्धारित आयु को पूरी कर चुके हैं उनकी सुविधा के लिए स्क्रैपिंग सेंटर की स्थापना की जानी। बुलंदशहर के शिकारपुर में आगामी पर्व होली और शबे बारात को देखते हुए SSP श्लोक कुमार के निर्देश पर फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च शिकारपुर नगर क्षेत्र में इंस्पेक्टर प्रेमचंद शर्मा के नेतृत्व में निकाला गया जो मुख्य बाजारों से होकर निकला। इस दौरान लोगों से अनुरोध किया गया कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करे और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। बुलंदशहर में करंट की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, साथ ही दो बच्चे भी उसमें झुलस गए। बताया जा रहा है कि पुराने मकान से नए मकान में सामान शिफ्ट करते वक्त ये हादसा हुआ है। हादसे से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। पूरी घटना बुलंदशहर के कस्बा गुलावठी के रामनगर मोहल्ले की है।
मेरा नाम चौधरी गुड्डू आमीन है, मैं ग्राम चढ़ावक से बिलोंग करता हूँ। यहाँ 4 बच्चों को बिजली की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 2 बच्चे एक्सपायर हो गए हैं और 2 बच्चे अभी जीवित हैं, सही सलामत है, खतरे से बाहर हैं। लेकिन यहाँ जो डीलर है, जो ऐसे बताते हैं लोग, इस कॉलोनी को काले चेयरमैन काट रहे हैं। अगर वो इस कॉलोनी को नहीं काटते, इसका भराव नहीं करते अल्लीगल तरीके से, तो शायद इन बच्चों की जान नहीं जाती। आप बिजली की हाइट देख सकते हो, अगर मैं एक डंडी 1 मीटर की लूं तो टकरा जाएगी, लाइन आप देख रहे हैं ऊपर। तो इसमें हमारे विभाग की लापरवाही है, जो पैसे लेकर अवैध मिट्टी गिराते हैं। कोई कॉलोनी यहाँ अप्रूव नहीं होती, कोई कॉलोनी यहाँ अप्रूव नहीं होती। और यहाँ में जो ग्राम समाज की भी जमीन है, जिसको जो मृतक है कहाँ के रहने वाले, मृतक जो है ग्राम देवली के रहने वाले, लेकिन ब्लाउटी में निवास कर रहे हैं वो लोग। बुलंदशहर में होली के पर्व से पहले सड़कों पर उतर कर लोगों को आबकारी विभाग ने जागरूक किया, साथ ही गांव-गांव की जा रही अवैध और जहरीली शराब की बिक्री पर सावधान रहने की अपील की और अवैध शराब बेचने वालों की लोगों से सूचना देने की भी अपील की। तो वहीं डीएम के दिशा निर्देश पर टीम तस्करों के संदिग्ध ठिकानों की भी चेकिंग की। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं इस मामले में सांसद कुंवर दानिश अली सावलिया पर निशान उठाते हुए गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के पूर्व विधायक भाजपा नेता कमल मलिक ने निशाना साधा है। उन्होंने सांसद कुंवर दानिश अली पर निशाना साधते हुए कहा कि लगता है कि इन हत्यारों से सांसद कुंवर दानिश अली का टीपू सुल्तान की तरह कोई नाता नहीं है। उसको मैंने अमरोहा सांसद दानिश जी का ट्वीट भी देखा है, उनको टीवी पे भी सुना है। जिस प्रकार वो उमेश पाल के हत्यारों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है पुलिस, उसको लेकर बहुत व्यथित दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे टीपू सुल्तान की तरह इन हत्यारों से भी उनका कोई भावात्मक रिश्ता है। लेकिन वो निश्चिंत रहें, प्रत्येक अपराधी को उसके टैंटियाँ पकड़कर पुलिस बाहर लाएगी और उसको कानून के आधार पर सजा दिलवाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता का प्रत्येक वर्ग वर्तमान के उत्तर प्रदेश में अपने भविष्य को लेकर के आश्वस्त है। उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अपराधियों से मुक्त और माफियाओं से मुक्त करके रहेगी। मैंने अमरोहा सांसद दानिश जी का अम्बेडकर नगर में जिला प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार संपन्न कराने को लेकर लगातार संवेदनशील इलाकों में पीस कमेटी की बैठक कर रही है, जिसके चलते नगर पंचायत इल्तिफातगंज में डीएम और एसपी की मौजूदगी में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक की। साथ ही दोनों पक्षों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक महोदय अपनी पूरी टीम के साथ नगर पंचायत के इस सभागार कक्ष में इस क्षेत्र के जितने भी मौजूद सप्रांत नागरिकगण हैं, उनसे जो आगामी 7 तारीख और 8 तारीख को होलिका दहन सभी बारात और जो होलिका त्यौहार है, उसको किस प्रकार के उल्लास के साथ मनाया जाए, उन पर चर्चा करने आए हैं और उनके सुझाव हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। और इस बात पे उनको उनका भी सपोर्ट, हम लोग सहयोग मांग रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई नाइतफाकी नहीं होनी चाहिए। और जो ये त्यौहार, तीनों त्यौहार हैं, पूरे सौहार्द के साथ, पूरे सामाजिक समरसता के साथ मनाया जाना चाहिए। और यहाँ पर आकर बहुत इसलिए भी खुशी हुई है कि पूरे क्षेत्र की जनता ने एक मत से हम लोग को भरोसा दिलाया है कि अगर यहाँ पुलिस का एक भी सिपाही ना रहे तो भी हम सब लोग मिलकर पूरी सकुशलतापूर्वक इस तीनों त्यौहारों को मना लेंगे। अलीगढ़ में लापता दिव्यांग युवा का नहर किनारे शव पड़ा मिला, जिसके बाद शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर भी दे दी है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला थाना दादो क्षेत्र के सांकरा चौकी का है। 2 तारीख से हुआ तो कुछ नहीं, हमने रिश्तेदारियों में फोन किया था, सबने की यहाँ नहीं है, यानी कि ऐसे 2 बजे निकला है घर से, 2 बजे फ़ोन मिला इसका, 4 बजे तक कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन उठाया नहीं, फिर 4 बजे के बाद में इसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, उस दिन से बात नहीं हुई। फिर हमने रिश्तेदारियों में पूछी कि क्या है क्या नहीं, सब ने कहा यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया। आज क्या हुआ है? आज तो मालूम पड़ी है, वो दूसरे के द्वारा तब आए थे यहाँ पर। क्या हुआ यहाँ पर, क्या मिला है आपको? डेड बॉडी मिली है सर, भैया की। हाँ जी। तो ये दिव्यांग है, विकलांग थे? नहीं नहीं, थोड़ा सा विकलांग था, पैर से। हाँ, चलता फिरता कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा। हाँ, 2 तारीख से ही गए हैं? 2 तारीख से।
अलीगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने मुकंदपुर स्टेट आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्रतिभा कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे और जल्द ही अलीगढ़ के आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर का नाम भी प्रतिभा कोचिंग सेंटर रखा जाएगा। इसे लेकर आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिले के एमएलसी जिला अध्यक्ष सहित तमाम भाजपा जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। अलीगढ़ में जो हमारा आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर है, आने वाले समय में इसको प्रतिभा केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक जिले में ऐसा एक प्रतिभा केंद्र बनेगा। मुझे विश्वास है कि अलीगढ़ में मडरा में जो हमारा राजकीय आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर है, इसका भवन, इसकी व्यवस्था ऐसी की जाएगी जिससे कि बच्चे हमारे केवल आईएएस पीसीएस की कोचिंग ही नहीं, नीट, जेई, क्लैट आदि परीक्षाओं की कोचिंग भी कर पाएँ मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत। दूसरा, यहाँ पे कौशल विकास योजना के कार्यक्रम भी स्थापित किए जाएंगे, लैब बनाई जाएगी, बच्चों की व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी है, उसका लाभ उठाएंगे। तीसरा, मोदी जी ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना दी है हमको, जिसमें उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।